So welcome all of you for today's Friday Fiesta. Today's Friday second session, and today what is the topic today, and what is the secret about your failure? What is the secret of your failure? Isn't it something different? Yes, but we are going to talk that what happens and why we are not able to attract the success of our choice. So over to Bhagwan Uncle, and Bhagwan Uncle, we will have 15 minutes of laughter, and then followed by we will be continuing with the topic what we have already discussed. So welcome to Bhagwan Uncle. Thank you very much for your selfless service. Every Friday you come very diligently and give us this service and create happy hormones inside us. So over to you, Bhagwan Uncle. Thank you very much, Shriyaji, for giving me this opportunity. And more than that, you have been giving such a wonderful awakening, inside awakening, which we will not get from anywhere. And it removes all the happiness, it opens the doors of our happiness and beautiful life. So, देखो जैसे खाना पीना जरूरी है लाइफ में, ऐसे लाफ्टर भी बहुत जरूरी है. तो अभी हम अलग अलग टाइप से लाफ्टर करेंगे. आप सबको अच्छी तरह पार्टिसिपेट करना है, कोई शर्म नहीं रखनी है. और देखो कितना मज़ा आता है. इसके नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, हम बताएं क्यों आपको, आप खुद अनुभव करें. सबसे पहले एक बात जीवन में सीखनी है, जब भी आप कोई भी क्लास अटेंड करते हो तो अपनी विंडो को खोल दो, अपने स्क्रीन पे आ जाएं. जो विंडो को खोलता है उसका दिल खुलता है, उसका हार्ट खुलता है. और आपको बहुत मजा आएगा अगर आप अपने विंडो को खोल के इस क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे. देखें, हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं सिनेमा घर में, और उस सिनेमा घर में अगर सिर्फ साउंड और डायलॉग्स और गाने चलें और स्क्रीन न चलाएं, स्क्रीन को ब्लैक रखें, तो आप क्या करेंगे? तो आप श्रिया जी के क्लास में आए हो, इतने अच्छे अच्छे क्लास में आए हो, अपना स्क्रीन खोलो, अपना भाग्य खोलो और जीवन की में बड़ा परिवर्तन लाओ. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल प्रेयर. उसके पहले अपने बैकबोन को सीधा रखें, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें बंद करें और अपनी आती जाती श्वासों से जुड़ें. सिर्फ हमें हमारा पूरा ध्यान हमारे दोनों नॉस्ट्रिल पे रखना है. वहां से ब्रीथ इन हो रहा है, ब्रीथ आउट हो रहा है, हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं. सिर्फ ऑब्जर्व करो, जैसे भी चलते हैं, कभी राइट से ज्यादा चलता है, कभी लेफ्ट से चलता है, कभी दोनों से चलता है. श्वासों से जुड़ने से हम अपने आप से जुड़ जाते हैं, अपने ओन सेल्फ से जुड़ते हैं. और कॉन्शियस ब्रीदिंग, श्वासों पे ध्यान देते देते आपका सुबह से लेकर शाम तक 7:30 इंडिया के काफी प्रकृतियों से जुड़े हैं, उसे असंग हो जाएंगे. और पूरा ध्यान हम इस क्लास में देंगे और इसमें एक बहुत बातें आपके जीवन को सीखने को मिलेंगी. जो प्रैक्टिस करेगा वो फायदा लेके जाएंगे. अभी एक मोमेंट के लिए आप अपने जिसमें भी आपका फेथ है उस गुरु से मिलें, प्रभु परमात्मा से मिलें, अपने को खुश फील करें, शुक्रगुजार फील करें और मन में ये बात बोलें कि आज
मन ही मन हम प्रार्थना करेंगे, मन ही मन हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि आज हम सब कुछ नए तौर से जीने के लिए तैयार है। आई एम बैक नाउ। आई थिंक मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। इज इट ओके? या तो हम प्रेयर कर रहे थे कि आज का तन की तंदुरुस्ती के लिए, मन की शांति के लिए और आत्मा की उन्नति के लिए कर रहा हूं, कर रही हूं। इस सुंदर भावना के साथ हंसते हंसते मुस्कुराते हुए नैनों को खोलें एंड लेट अस प्रैक्टिस फ्यू लाफ्टर। नाचते गाते करना है, अपनी बॉडी को मूवमेंट करेंगे और बच्चे बन जाएं। जो जो भी पोस्टर में नाचो, मजा करो, अपने को भूल जाओ, इतना आपके अंदर सारे टॉक्सिन निकल जाएंगे, आप इतना फ्रेश फील करेंगे। सुबह से शाम तक काम करके आए हैं और इतने अच्छे क्लास का पूरा लाभ ले सकेंगे, तो जैसे मैं करेंगे आप भी वैसे करते जाएं और अनुभव करते जाएं। अभी दो तीन चीज याद रखनी है कि हमें हो सके एल्बो को ऊपर रखे करेंगे तो यहाँ से काफी टॉक्सिन निकलेंगे आपके। दूसरा, थोड़ा बॉडी का मूवमेंट करेंगे, जो भी पोस्चर आपको अच्छा लगे। और तीसरी बात, दिल खोल के हंसेंगे, जो हंसेगा उसका घर बसेगा। हंसना फ्री ऑफ चार्ज है। फिर क्यों कंजूस? चलो वी स्टार्ट विद फर्स्ट वन। First, we will welcome. There are a lot of new members. We are so happy. देखें, शिया जी आपको फ्राइडे के क्लास का कुछ चार्ज नहीं करते हैं, मगर मॉरली हमें फीस देनी चाहिए। कोई भी टीचर के पास सीखेंगे तो उसकी फीस जरूर देनी चाहिए। तो दो तरीके से आप फीस दे सकते हो। एक तो हर मेंबर को, तीन मेंबर को लेके आना है, आपके रिश्तेदारों में, पड़ोसी में बोलो, बहुत अच्छे क्लास होते हैं श्रीजा जी का। फ्राइडे का फ्री होता है और भी जीवन की जरूरती बातों का पेड क्लासेस भी हैं, आप पेड क्लासेस भी ज्वाइन करो। पेड क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह पूरा ध्यान से रेगुलर अटेंड करेंगे और जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हम अपने साथ अकेले में कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई हमारे साथ मेंटर टीचर होना जरूरी है। तो लेट अस वेलकम श्रेया जी एंड ऑल द मेंबर्स। जैसे मैं करता हूँ वैसे करें। और देखो, ये खाली ये क्लास के लिए नहीं है, जब भी आपके घर कोई मेहमान आता है तो उसको उसके लाफ्टर करके वेलकम करो। शब्दों से तो करते हैं, आइए आइए, बहुत खुश हुए हैं, ऐसा नहीं बोलो। आप आए, बाहर आ गए, आप आए हमारे घर में, पॉजिटिविटी आ गई, आप आए हमारे घर में, खुशियां खुशियां आ गई। मेहमान खुश हो जाएगा, बोलो मेरी इतनी सराहना कर रहा है, मेरे को इतना अच्छा वेलकम कर रहा है, वो आपकी वेलकम याद रखेगा। देखो, खाना तो खत्म हो जाएगा मगर ऐसी नई वेलकम उनके जीवन में बहुत खुशियां लाएंगी। हर लाफ्टर के बाद आप थोड़ा अपना अंदर अनुभव करें कि क्या हो रहा है। आंखें बंद करके अनुभव करेंगे धीरे धीरे। अभी काफी लाफ्टर है मगर समय के अनुसार मेरे को बहुत लिमिटेड करनी पड़ती है। हम लोग फ्री लाफ्टर क्लास भी चलाते हैं, आपको श्रेया जी लिंक देंगी, हर संडे को इंडिया का 12 बजे, दुबई का 10:30 बजे ये फ्री क्लास होता है। उसमें हम बहुत नई नई बातें करते हैं। मेरे साथ मेरा एक कलीग भी है सुमन सुनेजा जी, वो भी आते हैं और जो एंड में हम लाफ्टर डांस करते हैं विद म्यूजिक, ओह आपका संडे कुछ अलग हो जाएगा। तो ये जरूर अटेंड करें और उसका लाभ लें। चलो, विल स्टार्ट नाउ।
ऑल इज वेल मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया है, मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया है। अरे बढ़िया है तो हंसो। अभी वैसे ऐसे मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरी वेल्थ अच्छी है, माय रिलेशनशिप विद एवरी गॉड इज एक्सलेंट। नाचो गाओ नाचो गाओ। देखो कितनी ठंडा ठंडा लग रहा है, सारे टॉक्सिन सारे नेगेटिव इमोशंस बाहर निकलते हैं। जितना आप जोर से हंसेंगे, कंटिन्यूस हंसेंगे, लंबी हंसी करेंगे, आपके हेल्थ में से बहुत नेगेटिविटी निकल जाएंगी और आप इतना रिफ्रेश फील करेंगे। जो रोज रेगुलर हंसेगा उसकी टैबलेट्स कम हो जाएंगी, डॉक्टर विजिट्स कम हो जाएंगी। अभी अपने फेशियल मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब भी किसी की बात अच्छी नहीं लगती है तो फेस पे आ जाती है। आवर नेगेटिव इमोशंस आर ऑलवेज ऑन द फेस, पॉजिटिव इमोशंस आर ऑलवेज ऑन अवर फेस। फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। आप क्या सोच रहे हो आपकी फेस से मालूम पड़ जाता है। और जो हंसने वाला आदमी सामने वाले को फेस रीड कर देता है कि इसको ये बात अच्छी लगी कि नहीं लगी। तो फेस को हमें करने के लिए करेंगे लायन लाफ्टर। अब इसमें आंखें बड़ी बड़ी, टंग को बाहर निकालो और राइट लेफ्ट लो, जो जोर से हंसो। अगर घर में दो दो लोग हैं तो आपस में करें, आंखों में आंखें डाल के। एक लायन बने, एक लायनेस बने। बंद करके देखो कितना अच्छा लग रहा है। जब भी हम जोर से गले को करो, कान आपका सब खुल गया, आपके फेशियल मसल्स एक्टिवेट हो गए, आपके फेस में शाइनिंग आ जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी हम अंदर में खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, तो हमारे हेड में से कुछ केमिकल्स ड्रॉप होते हैं। वो सिर्फ हंसने वाले को, खुश रहने वाले के अंदर ही ड्रॉप होते हैं। उसको बोलते हैं DOSE, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। ये तीन केमिकल्स पहले वाले आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। हमारी काफ़ी बीमारियां होती हैं क्योंकि हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस में नहीं है। तो हंसने से आपके हॉर्मोन्स बैलेंस में आएंगे, आपकी बीमारियां कम हो जाएंगी, नई बीमारियां नहीं बनेंगी। और लास्ट वन, एंडोर्फिन इज अ हैप्पीनेस केमिकल। अभी आप करेंगे, अभी आप अंदर में फील करेंगे। तो चलो अभी देखो, इसमें अभी आपको क्या हो गया, आपके पास दो ऑप्शन हो गए, या लाफ्टर का डोज लो या तो फिर डॉक्टर का डोज। मैं क्यों ना फ्री का डोज लूं, मेरी सारी बीमारियां दूर। हंसने के बाद श्रेया जी क्लास में इतना मजा आएगा आपको, श्रेया जी और आपको मजा कराएंगी। वो तो फ्राइडे सीखता है। अपने जीवन में नहीं हंसे हो उसे ज्यादा हंसेंगे। आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। एक लंबा गहरा श्वास लें, आंखें बंद करें। जो भी जीवन में सीखते हैं उसका अपना अनुभव लेना बहुत जरूरी है। सुनते तो बहुत बातें हैं, पढ़ते बहुत, मगर अनुभव के बाद वो आपके सबकॉन्शियस में रहती है। आपका सबकॉन्शियस बोलता है, अरे हंस यार, क्या है इसमें, ऐसा तो होता है। आप हंसेंगे, इतना हंसेंगे इतनी आपकी प्रकृति सरल हो जाएंगी, न होने वाला काम हो जाता है। इसमें एक और भी लाफ्टर है, कॉल हनुमान लाफ्टर। कल सैटरडे है, मगर रोज हंसेंगे तो रोज हनुमान जी से स्ट्रांग होंगे। तो हम क्या करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे नॉस से, अपने अपने चीक मसल्स में उस हवा को लाएंगे
और बहुत प्रेशर दे के होल्ड करेंगे, जब होल्ड नहीं होता है तो जोर से हंसेंगे। मैं एक बार डेमो करता हूं। आप हनुमान जैसे स्ट्रांग हो जाएंगे। एक बार और, कितना मजा आ रहा है, जो हंसता है वो जीवन में मजा लेता है, जो नहीं हंसता है वो अपने को सजा देता है। क्यों सजा दे रहे हो अपने को, मजा करो, सारा दिन हंसो और हंसाओ। आप भी हंसो, घर वालों को हंसाओ, बाजू वाले को हंसाओ। सुबह उठते हैं, पहले प्रेयर करें, अच्छी तरह शुक्राना करें सबका कि परमात्मा ने मुझे अच्छे स्वास्थ्य दिए, अच्छी हेल्थ दी। फिर अगर पॉसिबल है तो अपने बेड पे ही थोड़ा हंस लें। फिर नीचे उतर के हम अपना ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट निकालो, हंसो, दांत को मंजन कर रहे हो, हंसो, पानी को फ्लश कर रहे हो, हंसो, थैंक यू वॉटर, आई लव यू, यू आर सो गुड, यू गिव मी सो मच क्लीनिंग, घर पानी आता है, खुश हो, नाचो, सुबह सुबह से नाचो, मेरे घर पानी आता है, बेंगलोर में पानी नहीं है, अफ्रीका में पानी नहीं है, मेरे घर पानी आता है, थैंक यू गॉड, थैंक यू बरसात। नेपकिन का इस्तेमाल, नेपकिन का भी शुक्राना, जो चीज इस्तेमाल करते हो पहले शुक्राना, और शुक्राना भी कैसे करना है, मुस्कुराते हुए मुस्कुराना और शुक्राना। नीचे जाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, शुक्राना करें, हे परमात्मा मुझे इतना अच्छा ब्रेकफास्ट मिल रहा है, मैं कितना नसीब वाला हूँ, मैं सबका शुक्राना करता हूँ, धरती माता का, जिसने बनाया, जिसने किया। जितना हम बैक में शुक्राना करेंगे ना तो हमको यूनिवर्स अबंडेंस देंगी। शावर करते हो, हंसो जोर जोर से, शावर करके बाहर आते हो, अपने कबट को खोलो, मेरे पास कितने कपड़े हैं, थैंक यू गॉड, थैंक यू पति जी, थैंक यू पापा जी, थैंक यू एम्प्लॉयर कि वो सैलरी देते हैं, मैं नया कपड़ा लेती हूँ, मेरे पास सब कलर के कपड़े हैं, मेरे पास डिजाइनर क्लोथ्स हैं। देखो आपका काम काज भी होता है, व्यवहार भी होता है, और हंसने के भी होता है। घर में से जा रहे हो जॉब पे, बिजनेस पे, फैमिली मेंबर को टाटा करो, हैव अ वंडरफुल डे। देखो हंसना भी हो रहा है, एक्टिविटी भी हो रही है, और कितना मजा आने लगेगा। फिर आप समझो छोटे छोटे शहरों में स्कूटर चलाते हैं, स्कूटी स्कूटी, अभी जब स्कूटी को स्टार्ट करते हैं ना, हंसते हंसते करो, चालू हो गया, फिर हंसो, मेरा स्कूटी चालू हो गया, मेरा चालू हो गया। आपको पांच पांच हीट से चलता था, अभी दो में शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप स्कूटी से प्यार करते हो। फिर चलाते चलाते सिग्नल पे आए, सिग्नल पे आए, सबका चेहरा सीरियस है, आप हंसो, भले लोग आपको पागल समझे, ओ कितना ब्यूटीफुल डे है, सब देखेंगे आपको, भले देखे और वो भी खुश होते हैं। सॉरी, आई एम सॉरी फॉर टेकिंग मोर टाइम, बस लास्ट में करेंगे अफर्मेशन, सारा दिन ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, हर बॉडी पार्ट्स का शुक्राना, घर वालों का शुक्राना, जड़ का शुक्राना, चेतन का शुक्राना,
प्रकृति के हर अंश का शुक्राना। शुक्राना इतना पावरफुल एनर्जी है कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। लास्ट में हम एक हमेशा अफर्मेशन करते हैं। अफर्मेशन मतलब जो आपको चाहिए वो, जो आपको बढ़ाना है उसका अफर्मेशन। अफर्मेशन करेंगे तो घड़ी घड़ी करेंगे, तो एक अफर्मेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्यार का अफर्मेशन। मेरे अंदर प्यार का सागर है, सब बोलो, मेरे अंदर प्यार का सागर है, मेरे अंदर प्यार का सागर है। तो सागर में से कुछ गागर भर के सबको प्यार करे। किसी को प्यार करने के पहले अपने को प्यार करो। जो अपने को प्यार करता है वो श्रिया जी का हर क्लास ज्वाइन करता है। श्रिया जी के इतने अच्छे अच्छे क्लासेस हैं, डॉक्टर को पैसा देंगे, फार्मेसी को देंगे, इसे बेहतर है श्रिया जी को देंगे। उनके क्लास में से जो सीखेंगे आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएंगे, खुशियों के खजाने खुलेंगे। सबको अपने काम डेलीगेट करो और श्रिया जी के क्लास जो टाइम पे है अटेंड करो। औरों को अपना अनुभव बताओ, उनको लेके आओ। आई लव एवरीबडी, आई लव जड़ चेतन माय बॉडी एवरीबडी। मैं पहले प्यार करता हूँ फिर काम शुरू करता हूँ। मैं सारा दिन प्यार से देखता हूँ, बोलता हूँ, प्यार से सुनता हूँ, प्यार से सोचता हूँ, हर क्रिया में प्यार डाल दो, क्या मजा है। मैं इतना प्यार करूं, इतना करूं, नहीं 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 मैं अनलिमिटेड प्यार करूंगा, अनकाउंटेबल प्यार करूंगा, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आई लव यू ऑल And love you all, and love you, and thank you, thank you, thank you, uncle, thank you so much. And I request to all of you, please close your eyes, आंखें बंद कर लेंगे, और ये सारे सारे जो हंसी के एम्बिशन हैं, सब लोग वीडियो खोलें, very important. थोड़ा समय हम आंखें बंद रखते हुए पूरी तरह से हमारा ध्यान हमारी सांसों पे देगा। माइंड एकदम रिलैक्स। शुक्राना और मुस्कुराना। जितनी हो सके उतनी गहरी लंबी आसान वाली सांस लेंगे। Let us assimilate all these energies, सारी हंसी की फुहारों को, शक्ति को हमारे भीतर समाएंगे हम। देखिए
The energies are healing our body, healing our mind. Thank you, my divine. Thank you. Thank you. Give all of us this amazing opportunity. This amazing opportunity to go within. Thank you, Bhagwan Uncle, for gifting all of us these bubbling energies, vibrating laughter energies. Thank you for all your unconditional love, for your divine blessings, for your selfless service, your energy adds the energy of this group. तहे दिल से हम आपको धन्यवाद करते हैं. Thank you. Thank you. Thank you. Shukriya, shukriya, shukriya. Thanks to this space, to this platform, to this group, to this collective energies. धन्यवाद हमारे परिवार जनों को जिन्होंने हमें साथ दिया है. हम शांति से यहाँ पर अपना एक समय बिता सकते हैं. हर एक शुक्रवार को यह फ्री सेशन में आके इसके द्वारा हम फायदा ले रहे हैं. थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, ऑल द गैजेट्स, इलेक्ट्रिसिटी. थैंक्स टू मदर अर्थ, ये पृथ्वी माता, हम सबको सारी सुविधाएं देने के लिए धन्यवाद. थैंक्स टू ऑल द टीचर्स, मेंटर्स, गुरुस. Thanks to all the angels. Thanks to this universe. इन सारी शक्तियों के वजह से, इन लोगों की सारे विजडम की वजह से, जो ज्ञान उन्होंने हमें बांटा है और जिसको हम अनुभव के तौर पे रोज बरोज प्रैक्टिस कर सके. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you and I love you. Thank you and I love you. We are so lucky. We are so, so blessed. That we are getting an opportunity to work on ourselves. Thank you and I love you. Thank you, and I love you. और अभी हर एक सांस के साथ जुड़ते हुए हम अपने जीवन को धन्यवाद करेंगे. हमारे पास्ट को, जो पास्ट की वजह से आज हम हैं, जो भी है, जहां पर भी है, जैसे भी है, हमारे भूतकाल की वजह से है. हमारे पास्ट को हम धन्यवाद करेंगे.
हमारे वर्तमान को हम धन्यवाद करेंगे, हर एक सांस को हम धन्यवाद करेंगे, यह शरीर को हम धन्यवाद करेंगे, और यह धन्यवाद करते हुए थोड़ा सा हम हमारे लाइफ में झांक के देखेंगे कि कहां कहां पर हमने सफलता का अनुभव किया, जिंदगी के कौन कौन से क्षण में, कौन कौन से पलों में, कौन कौन सी यादों में हमने सफलता का अनुभव किया। याद कीजिए उस सफलता में आपका क्या योगदान रहा। What was the secret of your success at that time? जहां जहां पर भी आपको सफलता मिली, What was the secret? कौन से इंग्रेडिएंट्स थे वो सफलता के, जिसके द्वारा आपको सफलता मिली? याद कीजिए वो सारे सफलता के वो पल। कैसा लगा था, क्या अनुभव किया था आपने कि मेहनत रंग लाई, क्या क्या सोचा आपने, क्या क्या अनुभव किया? और अभी नाकामयाबी के कुछ पल याद कीजिए, जहां पे शायद आप गलत हुए, गलतियां हुई, गलत डिसीजन हुआ, सफलता मिली, नाकामयाबी मिली, और उस समय पे क्या हुआ, क्या था, ऐसे क्या चीजें थी, कौन से इंग्रेडिएंट्स थे जिसकी वजह से नाकामयाबी मिली? गौर फरमाइए उस पलों को। क्या था आपका मन की स्थिति, जहां पर जिस वजह से आपने नाकामयाबी का अनुभव किया? इन व्हाट वाज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऑफ योर सक्सेस, व्हाट वाज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऑफ योर फेलियर? और इसी पल को याद करते हुए, लेट अस कम बैक टू दिस मोमेंट। एंड स्लोली एंड स्टडीली लविंग अवर सेल्फ, लेट अस ओपन अवर आईज। Let us open our eyes by loving ourselves. And I request all of you that please switch on your videos. I can see two white ceilings and fans and photo frame. But please, Samsung SSM, please
please adjust your video so that we can see you. We don't see your ceiling, but we can see you properly. Thank you, Gurmit, for switching on your video. Thank you, Diksha. Thank you, Giridhar Bhatiaji. Thank you, Ramesh Oholji. Ramesh Oholji, आप जरा ध्यान रखिएगा, आपका जो है वो बार बार अनम्यूट पे चला जाता है, तो अभी भी आप अनम्यूट पे है और ड्यूरिंग द मेडिटेशन भी बार बार अनम्यूट हो रहा था, सो प्लीज आप जरा ध्यान रखिएगा. सो थैंक यू एंड प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोज एज मच एज मेनी एज पॉसिबल. इफ इवन इफ यू आर इन योर किचन, इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग और योर वर्क प्लेस, इट्स परफेक्टली ओके, बट प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोज बिकॉज योर प्रेजेंस एंड your face is very much valuable to us when we see you, when we have eye to eye connection. There is a different kind of connection, and when we don't have that eye to eye connection, we don't receive those energies. It's like barrier. Jaise uncle ne kaha ki aap cinema dekhne gaye ho, film dekhne gaye ho, lekin visual kuch nahi hai, sirf aap audio aur video sun rahe ho. Agar main abhi mera screen जैसे कि अभी मैं ऑफ कर लूं और मैं सिर्फ बातें कर रही हूं, कितना आप मुझसे कनेक्ट कर पाओगे? और अगर मेरा स्क्रीन ऑफ है और ऑन है, उसमें कितना डिफरेंस है, इजंट इट? सो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट कीप योर वीडियोस ऑन एज फार एज पॉसिबल. थैंक यू वेरी मच. मेनी ऑफ यू हैव ओपन द वीडियो. थैंक यू सो मच. और आज का अभी हमारा टॉपिक है दैट वॉट इज द सीक्रेट अबाउट योर फेलियर, राइट? आज कई लोग जो नए जुड़े, मुझे नए दिख रहे हैं, उनको हम बता दें कि हर फ्राइडे को हमारा सेशन ये फ्री होता है 7:30 to 8:45, जिसमें पहली 15-20 मिनट लाफ्टर होती है और उसके बाद हम बातें करते हैं. आज हमारा 42nd सेशन है, और अगर आपको पसंद आता है तो हर शुक्रवार को आप ग्रुप में जुड़ जाइए फ्राइडे फेस्ट है, और हर शुक्रवार को ये प्रोग्राम जुड़ सकते हैं. पिछले जो भी हमारे सेशंस हुए वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू, यू कैन जस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कम होम विद श्रेया, एंड ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू सी गो थ्रू ऑल द पास्ट रिकॉर्डिंग्स ऑफ दिस ऑल दिस सेशन ऑफ दिस लास्ट 41 सेशंस. कमिंग टू द पॉइंट, टुडेज पॉइंट दैट व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर फेलियर. सो हाँ, मैं आप लोगों को वो पूछना चाहूंगी कि हमने मेडिटेशन में वो पूछा कि व्हाट इज द सीक्रेट अबाउट आवर सक्सेस एंड हाउ डिड यू फील. जनरली हम लोगों को क्या बोलते हैं जब भी किसी को भी हम पूछते, कोई भी सफल आदमी हो या औरत हो, जो भी इंसान हो, सफल इंसान, उनको जब हम मिलते हैं तो उनको क्या पूछते हैं, यार तुम्हारी सफलता का राज क्या है, हमको भी बताओ, हम भी अपना सके. और हम हमेशा सबको सफलता के राज पूछते हैं, उनके सीक्रेट्स पूछते हैं. तो उसी तरह से आज हम पूछ रहे हैं आप लोगों को कि आप लोगों ने जब भी जीवन में सफलता पाई होगी, छोटी हो बड़ी हो, इट डजंट मैटर, बट जब भी आपने सफलता का अनुभव किया, तो आपने क्या, आपका इंग्रेडिएंट्स था, आपने क्या था उसमें, क्या कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको सफलता दी. कई लोग बोलेंगे हमारे नसीब अच्छे थे, कमारे पर पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे. चलो मान लिया आपके नसीब अच्छे, आपके कर्म भी अच्छे हैं, लेकिन उसके अलावा भी देयर वर मेनी इंग्रेडिएंट्स जिसकी वजह से आपको सफलता मिली. तो वो कौन से इंग्रेडिएंट्स थे जिसकी वजह से आपको सफलता मिली. सो दिस इज एन इंटरेक्टिव सेशन एंड वी कीप आस्किंग एंड इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर. सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट प्लीज पार्टिसिपेट. यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आंसर, और एल्स यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स एंड You can answer. So, क्या था, क्या लगा आपको जिसकी वजह से आपको सफलता मिली? मोना, आपको क्या लग रहा है, आपको पास्ट में जो भी अगर सफलता मिली है तो कैसे मिली होगी? And by the time she answers, please all of you write down in the chat box. Yeah. मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा इंटरेस्ट, जो भी सब्जेक्ट था उसमें मुझे इंटरेस्ट ज्यादा था, मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा था, और मेरा मेरे पास वो मेंटर थे जिसने मुझे गाइडेंस किया. राइट. तो आपका कॉन्फिडेंस था, आपको अपने ऊपर विश्वास था, और प्लस आपके साथ आपके मेंटर्स थे जिनकी गाइडेंस आपको कांस्टेंट मिलती रही और जिसकी वजह से आपको सफलता मिली. सुपर, थैंक यू सो मच. यहाँ पे लोग लिख रहे हैं, दीक्षा लिख रही है कि बाय नेवर गिविंग अप एंड बिलीविंग इन माई सेल्फ, ब्यूटिफुल. गिरिधर जी लिख रहे हैं कि प्रिजर्वरेंस, तो उसका मतलब क्या हुआ गिरिधर जी, आप बताएंगे? परसीवरेंस, व्हिच मींस टू फॉलो अप ऑन व्हाटएवर इज योर प्लान. सो यू पर्सू अ प्लान एंड यू एग्जीक्यूट इट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव इन माइंड.
एंड टू गो बिहाइंड द ऑब्जेक्टिव. या सो आप पहले एक प्लान बनाते हो सफलता के लिए और फिर वो सफलता के प्लान के हर एक स्टेप्स को आप उसको फॉलो अप करते हो एंड यू डोंट गिव अप और हर एक को डिटेल में फॉलो अप करते हुए आप उस सफलता के कदम चूमते हो. राइट गिरिधर जी? यस करेक्ट. थैंक यू वेरी मच. सो जैसे उन्होंने कहा कि पूरे पहले तो प्लानिंग करने से पहले क्या होता है, दिमाग में हम सोचते हैं कोई भी चीज, है ना, हमेशा बोलते हैं कि दो बार जन्म लेती है. सबसे पहले वो हमारे दिमाग में पूरा प्लान बनता है, हमको लगता है कि अच्छा मुझे अगर सफलता मिली तो मैं अपने आप को कहाँ देख रही हूँ. कोई भी प्रोजेक्ट बोलो, कोई भी आपका विजन बोलो, कोई भी चीज होने दो या इवन रिलेशनशिप बोलो, तो मैं कहाँ पे अपने आप को देखती हूँ और मैं क्या अनुभव करना चाहती हूँ, तो पूरा पहले पिक्चर यहाँ पे बनता है दिमाग में. उसके बाद वो दिमाग में जो पिक्चर बनता है उसको एग्जीक्यूट करते हम करते हैं और उसके ऊपर हम प्लानिंग करते हैं और उसके बाद वो प्लानिंग करके काम नहीं बनता. सिर्फ सपने देखते और सिर्फ प्लानिंग करके काम नहीं बनता, उसके ऊपर एक्शन लेनी पड़ती है. जो गिरिधर जी कह रहे हैं कि जिन्होंने ये सारे तीनों स्टेप्स करने से उनको उनकी लाइफ में सफलता मिली. थैंक यू वेरी मच. हार्ड वर्क अलॉन्ग विथ कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस इन वॉट आई एम डूइंग ऑफ फ्री विल ऑलवेज गॉट द राइट पीपल एट द राइट टाइम हैव गॉट सक्सेस. सो ब्यूटिफुल. सो उनको गिरिधर जी कह रहे हैं कि पूरा अपने ऊपर विश्वास रखते हुए उन्होंने पूरे दिल से उस पर अपना काम किया और जिसकी वजह से और फ्री विल मीन सरेंडर किया कि समर्पण की भावना से काम किया कि जो मैं कर रही हूँ पूरे दिल से कर रही हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस से कर रही हूँ और उसके रिजल्ट्स की मैं अपेक्षा ना रखते हुए मैं उसको समर्पण भाव में कर रही हूँ और उसके बाद जो भी रिजल्ट मिले उसको मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूँ और उसके बाद उनको ऐसे लोग मिले जो उनको सही समय पे सही लोगों ने आके सपोर्ट किया और उनको सक्सेस मिल गई, सफलता मिल गई. थैंक यू वेरी मच. सो इफ यू डोंट प्लान देन यू प्लान टू फेल. यस सो वेरी ट्रू दैट वी हैव टू प्लान. अगर प्लान नहीं करेंगे तो फेलियर तो होता ही है डेफिनेटली. व्हाट एल्स वाज देयर? जैसे कहा कि confidence, believing in yourself, then surrender, then planning and execution, then determination, then becoming go-getter, right? So all these qualities जो थी वो आपके अंदर कहाँ से आई, कैसे आई? Focused and determination. कहाँ से आई आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज? सिंस चाइल्डहुड दिस वर देयर. ब्यूटीफुल गुरमीत. सो चाइल्डहुड बचपन से आपको लग रहा है कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटी थी. थैंक यू वेरी मच. व्हाट एल्स? क्या लग रहा है आपको कि ये कहाँ से आई? पेरेंट्स, टीचर्स एंड गुरुज. Yes, 100%. Very, very true. Thank you, Bhagwan Uncle. So, right from childhood, we were observing our parents. You know, बच्चे बहुत 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 sharp, तेज रहते हैं, चपल रहते हैं, चालाक रहते हैं और सब कुछ observe करते हैं और observe कर करके सीख जाते हैं. मेरे यहाँ मेरा पोता आया था यहाँ पर अमेरिका से और वो just 11 महीने का, जिसको चलना भी नहीं आता, जस्ट क्रॉलिंग बेबी, और वो सिर्फ सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है. तो ऑब्जर्व करते हुए जब मेरे जो ससुर जी है वो भजन गाते और वो भजन गाते गाते ताली बजाते हैं. सो द मोमेंट वो मेरा वो बच्चा जब उनके रूम की तरफ भी जाएगा ना, तो रूम में एंटर भी करते हुए उसको पता चल गया कि वो दादाजी वहां पे रहते हैं और वो एंटर करते हुए वो ताली बजाते बजाते ही अंदर एंटर होगा. अभी 10 महीने का बच्चा. वो लोग नहीं है क्या? 10 महीने का बच्चा जो ताली बजाते हुए ही अंदर जाएगा. जब हम लोग सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, मेरे घर में सीढ़ियां हैं, हम लोग सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, वो पहले कीनली ऑब्जर्व करता रहा कि सीढ़ियां कैसे चढ़ रहे हैं और धीरे 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 उसने कोशिश की. पहले एक दिन नाकामयाब रहा, दूसरे दिन नाकामयाब रहा, तीसरे दिन उसने 2-3 सीढ़ियां चढ़ ली, चौथे दिन उसने पूरी सीढ़ी चढ़ ली. किसने सिखाया उसको? किसी ने नहीं सिखाया.
उसने सिर्फ ऑब्जर्व किया, कीनली ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करते हुए सब कुछ वो अपने आप सीख गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो जैसे इन्होंने भगवान अंकल ने कहा और कई लोगों ने कहा कि चाइल्डहुड से हमारे पास है, हमने हमारे आजू बाजू के वातावरण से ऑब्जर्व किया लोगों को। कई बार हमारे पेरेंट्स में ना होते हुए चाचा चाची में या दादा दादी में हम देखते हैं, या टीचर्स में देखते हैं, हमारे गुरु में देखते हैं, पड़ोसी में देखते हैं, कोई तो हमारा रोल मॉडल बन जाता है, जींस में देखते हैं, और उसकी वजह से धीरे 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 हमारे अंदर लाइक इट्स लाइक सीड्स, दीज आर ऑल स्मॉल सीड्स, और ये सारे स्मॉल सीड्स हमारे फर्टाइल लैंड में जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं। और जब हम रिपीटेडली इस चीज को देखते हैं, तो रिपीटेडली जब हमारे अंदर वो देख के हम देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे अंदर फिक्स हो जाते हैं वो पैटर्न्स, और उसके बाद हम का हमारा वो स्वभाव बन जाता है, हमारा वो बिहेवियर बन जाता है, हमारी वो पैटर्न बन जाती है। मुझे याद है मेरी मदर अभी भी, शी इज अ गो गेटर, अगर उन्होंने सोचा कि उनको ये करना है, भले शी इज नॉट अ प्रोफेशनल, शी इज अ होम मेकर, लेकिन अगर उन्होंने सोचा कि उनको ये करना है तो किसी भी तरह से वो करके रहेगी, भले उनका शरीर साथ ना दे, भले उनको नींद कम मिले, बट उसके बावजूद उनका मन का मनोबल इतना मजबूत है कि वो बोलेगी कि नहीं, मैंने ये सोचा है तो मुझे करना ही है, और किसी ना किसी तरह से वो आप सोच के, बिकॉज उनका जो उन्होंने सोचा है तो वो करके ही रहती है। अभी बचपन से एज ए चाइल्ड आई हैव ऑब्जर्व्ड हर दिस क्वालिटी एंड ऑटोमेटिकली इट हैज कम इम्बाइब्ड इनसाइड मी, कि देखा है कि मम्मी जो बोलेगी वो तो करके रहेगी, वो पता है और वो करके रहेगी, कैसे भी होने दो, कितना भी कुछ भी होने दो, वो करके रहेगी। ऑटोमेटिकली वो रोज बरोज की जिंदगी में जब मैं देखती रही, अपने आप मेरे अंदर भी वो सीड आ गया गो गेटर का। तो जिस तरह से इन्होंने कहा, कौन थे जो परसीवरेंस, गिरिधर जी बोल रहे थे, तो उसी तरह से हम, हमारे अंदर ये सीड्स आते हैं और हम ये सीड्स को मे वी मेक इट इन टू अ प्लान एंड एग्जीक्यूशन एंड वी मेक इट पॉसिबल। सो सेम वे नाउ माई अनदर क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, वॉट अबाउट योर फेलियर? हम लोग सबकी जिंदगी में फेलियर्स आते ही हैं, हमारी सबकी जिंदगी में हमें नाकामयाबी वाली मोमेंट्स आती है, हमारे रॉन्ग डिसीजंस होते हैं, हम मिस्टेक्स करते हैं। सो क्वेश्चन इज नाउ, वॉट अबाउट योर फेलियर, दैट वॉट वर द इनग्रीडियंट, सीक्रेट इनग्रीडियंट्स अबाउट योर फेलियर? कितनी बार हम लोगों को ये पूछा जाता है कि आपकी फेलियर के पीछे क्या राज था, क्या हुआ जिसकी वजह से आप फेल हुए? कितनी बार हम अपने आप को पूछते हैं और कितनी बार हम अपने वालों को पूछते हैं, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, क्या गड़बड़ हुई, क्या हुआ जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल ना हुआ? ब्यूटिफुल डिम्पल इज सेइंग दैट बाय नॉट फॉलोइंग अवर हार्ट, थैंक यू सो मच। अनिता इज सेइंग दैट फोबिया एंड थॉट्स, फोबिया, सो व्हाट इज द फोबिया अबाउट? अनिता जी, कैन यू जस्ट यू नो शेयर अ लिटिल मोर? Yeah, Giridharji also is talking about failure and even wrong decisions, that success is also based upon failures, that yeah, we will talk about it. Purnima says that lack of hard work. Anita is thinking about failures again, lack of confidence, procrastination. What else? What else is there? Going away from the focus and taking it lightly, okay. Lack of trust in God, okay. Lack of support, okay. You are all sharing beautifully. Very good. Keep going. Lack of self-trust, yes, Purnima, beautiful. Overconfidence, yes, very true. Self-belief, yes, very true. Lack of self-love, very, very true. So, कई जगह पे मैं वही देख रही हूँ, lack of self confidence, lack of self trust, lack of self love, lack of self esteem, lack of self worth. कि I'm worthy to receive this
success. Yeah, maybe did not find a mentor. Okay, even finding a mentor is your energies. Not taking help from anywhere. Superb, very good, beautiful, Rameshji. Not taking help. Why didn't we take help? What is it that stopped us to take help? Can we think about it? Why couldn't we attract support? Why couldn't we have trust in ourselves? Why couldn't we have confidence in ourselves? Why we were lacking in surrender? My ego, yes. Sonia, ego, yes. So beautiful. Lack of trust in God, going away from the focus and taking it lightly. What brought you procrastination? Lack of hard work. Yeah, lack of confidence, not following your heart. Why we didn't follow our hearts? All these questions are million-dollar question. Why? What is it that we attracted all of this? Can you just go at a little deeper level? Self-belief, beautiful. Poor belief, beautiful. Negative beliefs, beautiful. Why should I? Why should I ask from people? Beautiful. Soul imprints, beautiful. What does it mean by soul imprints? Can you just share, Sonia, your thoughts about it? That what do you mean by soul imprints? So, यहाँ पर ये जो आप कह रहे हो, completely 100% I agree with it. That these are all the reasons, very much reasons, and because of that, we have failed. Are we here to judge someone with for failure and success? No, we are here to learn from our every failure. We are here to learn from our every success. और जो भी success है, जो लोग successful है, उनके पीछे बहुत बड़े failures भी रहे हैं. और वो लोग कहते हैं कि मुझे बराबर पता है कि अगर ये project करना है तो क्या 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 नहीं करना चाहिए. Because I have failed so many times. So every failure is a great teacher, जैसे गिरिधर जी ने कहा. Every failure is a great teacher. It's a blessing. Every failure is a blessing to teach us something. But at the same time, in metaphysically also, we are taking you that every failure is taking you inside. How? Every failure is giving us an opportunity to go within and check that what is it that I have attracted this failure. And it leads us to go for inward journey. And deep down we have to go and we have to search. So, hum sab safalta ke pure pure adhikari hai. Yes, it is giving us a beautiful, amazing opportunity for introspection and reflection. Yes, 100% right, Giridharji. So, yeah, something we have been carrying over past lifetime, soul imprints. That is what Sonia is talking about. Yes, 100%. At the same time, because we had those soul imprints, we had selected a family, a set of parents, where we can release all these imprints and we can create a new impressions, a new, complete new life, a story. So, जैसे मैं कह रही थी कि वो छोटा बच्चा जो मेरे घर में थे, जो अपने आप सीढ़ी चढ़ना सीख गया और सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ गया. सो क्यों? उसको कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ी, उसको कुछ बताना नहीं पड़ा कि क्या और कैसे करना है. ओनली एंड ओनली थ्रू ऑब्जर्वेशन ही लर्न्ड, एंड ईच एंड एवरी चाइल्ड इज लर्निंग थ्रू दिस. सो ये सारी चीजें भी जो है, जो आप इतनी सारी चीजें लिख रहे हो, उसके पीछे सबसे बड़ा राज है हमारे childhood impressions, हमारी childhood imprints. ये जो सारी childhood imprints और impressions जो है, जिसने यहाँ पर एक data बना दिया, एक memory bank बना दिया है, और यह memory bank से हम चलते आ रहे हैं और हमारे जीवन को lead करते आ रहे हैं. यह memory bank में क्या भरा है? यह memory bank में बहुत सारे beliefs पड़े हैं, और यह जो beliefs है,
ये बिलीव्स हमें बताते हैं कि ओ दिस इज नॉट फेयर एंड वी कांट ट्रस्ट पीपल, ओ दिस इज नॉट फेयर, और जैसे रमेश जी ने कहा कि आई कांट आस्क फॉर हेल्प बिकॉज दिस इज वॉट ही मे हैव ऑब्जर्व इन हिज सराउंडिंग्स दैट इट इज नॉट ओके टू आस्क फॉर हेल्प एंड बी इंडिपेंडेंट. जितना खुद से बनता है उतना ही करो और दूसरों पर निर्भर ना रहो. तो ये कहीं ना कहीं उनके चाइल्डहुड में उन्होंने कहीं ना कहीं किसी को देखा हुआ है ऐसे करते हुए, या कई बार अगर उन्होंने किसी के पास से मदद मांगी भी होगी और उनको डांट मिली होगी. कहीं ना कहीं ऐसे स्वभाव और ऐसा एनवायरमेंट हमें मिलता है. तो जिस तरह से यह बिलीव्स है कि इट्स नॉट ओके टू आस्क फॉर हेल्प, इट्स नॉट ओके टू फेल, इट्स नॉट ओके टू मेक मिस्टेक्स, इट्स नॉट ओके टू से नो, इट्स नॉट ओके. सो बहुत सारे बिलीव्स हमारे अंदर भरे पड़े हैं, जो जो बिलीव्स के बैंक से हम जब ऑपरेट करते हैं तब ऑटोमेटिकली वो सीड्स जो है वो सीड में से पेड़ उगता है. एक मैंने बहुत ही अच्छा पोस्टर देखा था, और एक पेड़ था और पेड़ के ऊपर फ्रूट्स था और नीचे कैप्शन लिखा था. क्या कैप्शन था पता है? वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज अ सीड. ऐसे वाओ, वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज अ सीड, कुछ समय पहले मैं एक सीड था और आज यह सीड में से वट वृक्ष बन गया हूं जिसपे फ्रूट्स आए हुए हैं. तो ये सारे जो बिलीफ्स है, दीज आर ऑल स्मॉल 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 सीड्स. एंड ये जो थॉट्स है, थॉट्स में से बिलीफ और हैबिट्स बने. तो ये जो बिलीफ्स आए कहां से है? यह जैसे कि ये बच्चा है जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है. अभी कई पेरेंट्स बोल सकते हैं कि नहीं नहीं बेटा मत चढ़ो, गिर जाओगे, फिसल जाओगे, हाथ पैर टूट सकते हैं, चोट लग सकती है, मत करो ऐसा. अभी क्या हुआ, इस बच्चे के अंदर फियर्स डाले गए, इस बच्चे के अंदर डाले गए कि ये ऐसी कोई बड़ी रिस्क नहीं लेते हैं. सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अवर ओल्ड बिलीव्स. जब हमारे अंदर इतने सारे बिलीव्स डाले जाते हैं कि दिस इज नॉट ओके और दिस इज ओके और यू शुड नॉट डू इट, अगर हमारे अंदर बिलीव्स डाले जाते हैं कि ओनली हार्ड वर्क से ही सफलता मिलती है, हमारे अंदर बिलीव्स डाले जाते हैं कि अगर पसीना बहाया नहीं तो कुछ भी सफलता मिलती नहीं है, हमारे अंदर बिलीव्स ऐसे डाले जाते हैं कि हम किसी के ऊपर आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमारे अंदर बिलीव्स डाले जाते हैं कि वी कांट ट्रस्ट पीपल, पीपल आर चीट्स एंड दिस होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ चीटर्स एंड वी कांट ट्रस्ट पीपल इजीली. हमारे अंदर बिलीव डाले जाते हैं कि तुम अगर एक बार किसी के पास से मदद मांगोगे वो आपके पास से 100 बार मदद मांगेगा, सो बेटर यू डोंट आस्क फॉर हेल्प. हमारे पास से सारे बिलीव्स डाले जाते हैं कि लाइफ इज स्ट्रगल, लाइफ इज डिफिकल्ट. हमारे अंदर बिलीव्स डाले जाते हैं कि पैसे कमाना आसान नहीं है, पैसे कोई झाड़ पे नहीं उगते, पैसे को पानी की तरह बहाए नहीं जाते हैं. हमारे अंदर बहुत सारे बिलीव्स डाले जाते हैं. और जब ये बिलीव्स हमारे अंदर हमने कैसे डाले जाते हैं, जब हमने हमारे माँ बाप को ये बातें करते हुए सुना है, एंड एज अ चाइल्ड वी हैव ऑब्जर्व्ड, जब हमने हमारे आजू बाजू के एनवायरमेंट में ये लोगों को इस तरह से बिहेव करते हुए देखा है और उनके बिहेवियर और उन्होंने हमने उनके स्वभाव को ऑब्जर्व किया है, ऑटोमेटिकली वी आर द यू नो क्रीचर्स ऑफ मिमिकिंग. जैसे कि हमें पता है कि मंकी में से एवोल्यूशन होते हुए एक आदमी बंदर में से आदमी बना और आदमी का एवोल्यूशन होता गया. तो उसी तरह से वी आर द क्रीचर्स ऑफ मिमिकिंग. हम मिमिकिंग करते हुए, सबको मिमिकिंग करते हुए हमने अपना एक स्वभाव बना लिया है, हमने अपने एक आदतें बना दी. जब वो रिपीट मोड पे, ये जो है ना, बिलीव्स आर अवर डेटा बैंक, और यह डेटा बैंक जब हमने यहाँ पर भरी पड़ी है और यह डेटा बैंक को ऑपरेट करते हुए जब हम हमारी जीवन जीते हैं, तो ऑटोमेटिकली वही हमें रिपीट मोड पे हमें उसके अनुभव होते हैं. तो जैसे कि एक बिलीफ आया कि ओ श्रेया यू कांट डू दिस, ओके
सेकेंड बिलीफ आया कि ओ यू नो यू आर सुपीरियर एंड अदर्स आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट एंड यू आर डूइंग बेटर, और एक बिलीफ आ गया ओके आई एम सुपीरियर, और एक बिलीफ आ गया कि ओ यू आर नॉट केपेबल इनफ, और एक बिलीफ आ गया ओ यू आर लेजी, और एक बिलीफ आ गया, और इस तरह से हमारे अंदर बिलीफ्स का इतना भंडार इकट्ठे भरा होता है कि वी क्रिएट अ वॉल, जैसे भारती जहाँ बैठी है पीछे हमें बराबर वॉल्स दिखाई देती है, एक 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 ब्रिक्स को इकट्ठा करके एक वॉल बन चुकी है, एंड ये एक 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 जो है ना ब्रिक वो समझो आपके बिलीफ्स है, और एक एक ब्रिक्स को इकट्ठे करते हुए मेरी जिंदगी बन गई, और वहां पे मेरा स्वभाव बन गया, मेरी आदतें बन गई। सो मेरे जो थॉट्स भी जो आते हैं ना, वो थॉट्स भी ये जो मेमोरी बैंक के जो डेटा भरा पड़ा है बिलीफ्स का, वहीं से मेरे थॉट्स भी आते हैं। अगर समझो कि बचपन में मैं स्विमिंग करते हुए डूब गई, और मैं सचमुच डूबी थी, मेरी मैं स्विमिंग पानी में जाने को डर रही थी, मेरी दोस्त ने मुझे फेंक दिया पानी में, माँ बाप को तो पता ही नहीं था कि मैं स्विमिंग गई हूँ दोस्त के साथ, और उसने पानी में मुझे फेंक दिया, अभी मुझे स्विमिंग करना ही नहीं आता तो मैं क्या करूँगी, मैं हाँफने लगी और मैं पानी पी गई मेरे अंदर, और मैं स्ट्रगल करने लगी अपने आप को बचाने के लिए, और मैं पूरी डर चुकी थी, पूरी पूरी डर चुकी थी। अगर अभी ऐसे जब मुझे अनुभव आते हैं तो मैं क्या पानी को फ्रेंडली मानूंगी, मेरे अंदर बहुत ये है पॉसिबल है कि मैं पानी से डरूंगी, पानी में अंदर जाने को डरूंगी, स्विमिंग करने को डरूंगी, और क्योंकि मुझे मेरे अंदर क्या बिलीफ बन गया, पानी मेरे लिए खतरा है, पानी मेरे लिए जानलेवा है, पानी मेरे लिए खतरा है। जबकि मेरा बच्चा जो बचपन से ही उसको हम स्विमिंग पूल में लेके गए थे और फ्लोट करता था, तो उसको इतना आसानी हो गया कि पानी उसको लिए बहुत ही दोस्त है पानी उसके लिए, और वो समंदर में भी स्विमिंग करने जाता है, क्योंकि उसको बचपन से ही पानी को हमने एज अ फन वे इंट्रोड्यूस किया गया था, और पानी में वो बहुत मस्ती करता था, तो जिसकी वजह से पानी उसके लिए दोस्त बन गया। पानी मतलब वाटर मीन्स फन, वाटर मीन्स जॉय, वाटर मीन्स एंटरटेनमेंट, तो उसके लिए एक बिलीफ बन गया, क्योंकि हम पानी में खेलते थे, मस्ती करते थे, एक दूसरे पे पानी उड़ाते थे स्विमिंग पूल में, इस तरह से वो स्विमिंग सीख गया, 5 साल की उम्र में वो स्विमिंग सीख गया था। तो अभी उसके लिए पानी क्या हो गया, फॉर हिम वाटर इज फन, वाटर इज एंजॉयमेंट, एंड ऑटोमेटिकली वो स्विमिंग आसानी से सीखने से अभी भी वो वही पानी में बहुत मजा करता है। बट एट द सेम टाइम मैं कभी भी पानी के पास जाती हूँ और मुझे अंदर जाना है, मुझे डर लगता है, क्योंकि अभी भी वो मेमोरी मेरे अंदर ताजी है कि मैं वंस अपॉन अ टाइम वाटर मीन्स डेथ, वाटर मीन्स फियर, वाटर मीन्स टेरर, वाटर मीन्स इनसिक्योरिटी, वाटर मीन्स दैट। सो इसी तरह से हमारी ये जो मेमोरी बैंक है उसमें जो हमने जो ऑब्जर्व किया, उसमें जो हमने अनुभव किया, तो यहाँ पर मैंने मेरे डेटा बैंक में मेरे अनुभव के तौर पे मैंने मेरे लिए एक डिक्शनरी बन गई मेरे बिलीफ्स की कि दिस इज वर्किंग फॉर मी एंड दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी। और हमारे सबके अंदर इस तरह से बिलीफ सिस्टम बनी हुई है। जैसे कि मुझे याद है कि मुझे बचपन में हमारे हम तीनों बहनों के बीच में एक ही ड्रेस खरीद के लेती थी मम्मी, और हम लोग सब ने यही पहनने का, अभी मैं साइज में मोटी थी और मेरी दो बड़ी बहनें थी बट वो साइज में एकदम दुबली पतली थी, तो उनको मेरी साइज का ड्रेस लिया जाता था ताकि हम लोग तीनों फिट हो, और वही साइज के ड्रेस में हम लोग तीनों भले स्कैरक्रो लगे लेकिन वो ड्रेस पहन के वो उसी ड्रेस में घूमती थी। What was it showing? Scarcity, isn't it? What was it showing that we don't deserve to have our own dress? So automatically, मेरे अंदर वो मेरे दिमाग में बैठ गया था। तो कितने साल तक, बहुत समय तक, जब मुझे अपने लिए शॉपिंग करने जानी होती थी मुझे बहुत गिल्टी फील होता था कि मैं पैसा बर्बाद कर रही हूँ, मैं कैसे अपने लिए खर्चा कर सकती हूँ, मैं कैसे अपने लिए खुद के लिए कुछ खरीद सकती हूँ, क्योंकि बचपन की ये इम्प्रेशंस मेरे अंदर वो सीड डाला गया है, पैसों की कमी है, तो जहाँ हो सके उतने पैसे बचाओ क्योंकि पैसों की कमी है, वी आर शॉर्ट ऑफ मनी, वी आर शॉर्ट ऑफ मनी। सो ऑटोमेटिकली दिस हैज बिकम माय सीड राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, एंड विद द रिजल्ट व्हाट हैपेंस,
दैट सीड कंटिन्यूज, और एक समय पे वो सीड था, आज वो वृक्ष बन चुका है। तो हम जो हमारी जिंदगी में अनुभव करते हैं, सफलता या निष्फलता, सो व्हाट इज दैट सीक्रेट इंग्रेडिएंट? द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज माय बिलीफ सिस्टम विच इज बिल्ड राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। जो जिसको हम कहते हैं, इन्होंने कहा, रमेश जी कह रहे हैं कैंसल कैंसल कैंसल। सो जिस बिलीफ सिस्टम को हमें हील करने की जरूरत है। और हम लोग कई बार बोलते हैं कि चलो रिलीज कर दो, रिलीज रिलीज रिलीज, डिलीट डिलीट डिलीट, कैंसल कैंसल कैंसल। क्या इतनी आसानी से वो हो जाता है? ज्यादा करके ये सारे बिलीफ्स को हमें निकालना इतना आसान नहीं होता है। क्यों क्यों ऐसा होता है? इट्स स्टिक इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। क्यों वो भरा पड़ा है? क्यों? क्योंकि उसके साथ एक इमोशंस जुड़ी हुई है। हमारा इमोशनल अटैचमेंट है, हमारा उसके साथ एक इमोशनल जुड़ा हुआ है। उसके साथ हमारा इमोशंस जुड़ा हुआ है, और जब हमारा इमोशंस जुड़ा हुआ रहता है, यह इमोशंस हमारे अंदर घर कर जाता है। बचपन में कई बार ऐसा होता होगा कि आप फेल हुए हो, या आपको कम नंबर्स आए हो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, और पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से फुलफिल नहीं हुआ हो, जहाँ पे आपको डांट मिली हो, और उसकी वजह से आपको बहुत सारा अंदर गिल्टी फील करवाया गया हो कि तुम्हारा ही फॉल्ट है, तुम्हारा ही ध्यान खेल में था, तुम फोकस्ड नहीं थे, तुम बहुत प्रोक्रास्टिनेट कर रही थी, और तुम लेजी थी, और तुमने मेहनत नहीं की, और ब्ला 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 ब्ला, हमें डायलॉग सुनने को मिलता है पेरेंट्स के द्वारा, और उसके ऊपर हमें गिल्टी महसूस करवाया जाता है, कई बार हमें रिग्रेट करवाया जाता है, कई बार हमें शेमफुल भी करवाया जाता है कंपैरिजन करके, कि वो देखो तुम्हारी दोस्त आगे निकल गई, वो तुम्हारा कजिन्स देखो आगे निकल गया, कंपैरिजन करके हमें शेमफुल फील करवाया जाता है, गिल्टी फील करवाया जाता है। तो ये सारे बिलीफ्स के साथ हमारे अंदर उस समय कौन सा बिलीफ बन जाएगा? ओ आई एम नॉट कॉम्पिटिटिव इनफ, ओ आई एम लेजी, ओ आई प्रोकास्टिनेट सो मच, मेरा स्वभाव बन चुका है। और एक या दो बार ऐसा होने से तीसरी बार मेरे अंदर घर गया कि मैं लेजी हूं और मैं प्रोकास्टिनेट करती हूँ। अगर एक या दो बार अगर मेरे से मिस्टेक हो गई, मुझे और मेरा खेल में ध्यान ज्यादा रहा और मैं फोकस नहीं रही, तो मुझे बार बार बोला जाएगा कि तुम एक फोकस नहीं हो, तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं है, तुम्हारे पास प्रायोरिटी नहीं है। और इस तरह से बार बार जब ये बच्चे के पास ये अनुभव होता है, तो बच्चे के जहन में बैठ जाता है, ओ आई एम दिस, एज इफ यू आर, जैसे हम मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स होता है तो क्या होता है, हम खिताब पहनाते हैं ना उनके सर पे, मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स। इसी तरह से बचपन से लेके हमारे ऊपर बार बार ये सारे खिताब हमारे ऊपर डाले जाते हैं, यू आर दिस, यू आर दैट, इट्स योर फॉल्ट, एंड यू आर दिस एंड यू आर दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, वी बाय दोज लेबल्स, एंड दोज लेबल्स वी बाय बिकॉज देर आर मेनी इमोशंस अटैच टू इट। और अब तक हमने वो इमोशंस को इग्नोर किया है। जैसे आप बोले यहां पर कैंसल कैंसल कैंसल, और डिलीट डिलीट डिलीट, और रिलीज रिलीज रिलीज, और ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, बट हमने वो इमोशंस को हैंडल नहीं किया, प्रोसेस नहीं किया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोसेस दोज इमोशंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फेस दोज इमोशंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नोलेज दोज इमोशंस, it is very important to process those emotions of the childhood seeds jahan par ye belief system bane the, aur jab wo hum karna shuru kar dete hain, inner child healing jisko kehte hain, is bacche ke mind pe hum jab ye sukur shuru kar dete hain, automatically wo emotions ko hum face karna shuru karte hain, yo beliefs jo hai वो, इट जस्ट लूजेस इट्स कंट्रोल।
एंड देन उसके बाद जब हम ड्रॉप 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 और डिलीट डिलीट करते हैं, इट काम करना शुरू करते हैं. सो इनर चाइल्ड हीलिंग इज अ मोस्ट वंडरफुल टेक्निक वेयर वी मीट दैट चाइल्ड एट डिफरेंट एज एंड वी मीट दैट चाइल्ड एंड वी नो द इमोशंस ऑफ दैट चाइल्ड, व्हाट दैट चाइल्ड हैज गॉन थ्रू, बिकॉज अप टिल नाउ वो बच्चे के इमोशंस के ऊपर गौर फरमाया नहीं गया है. And when we start working on it, begin working on it slowly and steadily, we can easily change our beliefs. Because now हमारा emotional charge निकल चुका है वो beliefs से, वो सारे painful memories से और experience से. And that is why it is very, very easy. And then I say that, okay, पहले मुझे शायद डर लगता था, and now I can say that मैं निर्भय हूँ, मैं निडर हूँ. And that is the truth of our soul. So all the beliefs are lie. Whatever we are believing is where which are disempowering, which is creating fears in us, are all lie. But whatever we are trusting, that is the truth. And that is the voice of our soul, voice of our inner child. जैसे यहाँ पर किसी ने कहा था, सबसे पहले failure का कारण है, I was disconnected with myself. I was not listening, किसने कहा, डिंपल ने कहा कि not listening to your inner voice. So यह जो inner voice का हम जब सुनते हैं और उनकी वो आत्मा की आवाज के साथ जुड़ जाते हैं, then it becomes my new truth, my new reality. So many a times when we are fail, because most often we are operating from those memories of childhood, unhealed, unprocessed memories of childhood. And those memories are at work, and which is telling us that you are not ready, which is telling us that you are meant to fail, which is telling us that you can't ask help or you can't stand up for yourself. And now it is our job to meet that child, discharge the pain, and heal the child. And that is our job. So यहाँ पर किसी ने लिखा है, need to clean the emotions or they become thought. So need to clean the emotions. Yeah, when the emotions are alive inside from the childhood, then it is going to repeat. So when we just, you know, it is like, you know, समझो, मैं example देती हूँ कि एक जमीन है, carpet है, और जैसे कि soldiers है जो hidden bombs रखते हैं, और ऊपर मिट्टी है, नीचे पता नहीं है कि कहाँ पर बॉम्ब है. बट व्हेन द ऑटोमेटिकली जब दुश्मन के लोग आते हैं और वो चलते हैं और वो बॉम्ब पे स्टेप करते हैं, एंड देन वो फटता है और अपने अचानक से आग लग जाती है. बट दोज बॉम्ब्स आर इनविजिबल. एंड सेम वे हमारे अंदर की जो इमोशनल चार्ज है राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, विच आर इनविजिबल, वी डोंट इवन रिमेंबर दोज थिंग्स, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ ट्रिगर, एंड वो जो है अंदर की इमोशनल पेन जाग जाती है. सो इन इनर चाइल्ड हीलिंग वी डिफ्यूज दोज बॉम्ब्स, वी डिफ्यूज दोज पेनफुल मेमोरीज, वी डिफ्यूज मेमोरीज कभी जाएगी नहीं, मेमोरीज विल बी ऑलवेज ऑलवेज देयर विथ यू, बट द इमोशनल पेन विल बी रिलीज्ड, बिकॉज नाउ वी आर प्रोसेसिंग इट, एंड नाउ वी आर मीटिंग दैट चाइल्ड, एंड नाउ वी आर टेलिंग दैट चाइल्ड दैट आई एम विथ यू, एंड वी कैन क्रिएट अ न्यू स्टोरी. So that is what is inner child healing about. Let me just read that what all of you have written. All it depends on childhood. So many persons now in this era, all child has good life. So they don't have these all sufferings which we are suffering. Learn to accept and then surrender. See, we cannot say about what else is going in someone's life. We can only talk about our life. If I am going through any suffering, if I am going through repeated failures, it means that I need to go within and check out what is it that is not, I am not able to attract success. Finally, it is all energies. It is my energies which has attracted failure in relationship, failure in my professional life. It is my energies who have attracted failure in health. And what is these energies are based on? On my belief system. Because these are the energies. All emotions are energies. Energy in motion is emotions. All energies are still alive inside me.
Of course, we had joyful memories in childhood, and that's why we are still enjoying and having laughter and fun. We had happy memories in childhood, and that's why we are still experiencing happiness. It's not that all the time we are crying. But at the same time, when I have not healed my old emotional wounds, there are high chances that all these emotional wounds will keep on a repeating mode. And it will show up anytime, like a hidden bomb. So our job is to diffuse those emotional pains and wounds and diffuse those emotional charge and create a new life and create a new belief system. And then jaise bhagwan uncle hum hamesha gaate hain ki main mast hu, main swasth hu, main tandurast hu, main jabardast hu. So when we are repeating this, but this will work wonderfully well when all those old beliefs are, we are cleaning all the old beliefs, we are cleaning all the emotional wounds, and then this affirmations repeats like a magic. We repeat it, it works like a magic, because pehle ka garbage jo hai wo nikal chuka hai, and now we are rewriting something new. So we all are welcome, we all are listening, that please do affirmations and create new beliefs through affirmations, and it's very good. But we are not matching. Yes, definitely frequency is not matching. Kyunki main andar se koi alag frequency mere andar chal rahi hai, mere energy mein. Jahan pe jo guilt hai, regret hai, shame hai, hatred hai, anger hai, jealousy hai. Ye sari ek energies hai jiski ek alag frequencies hai. But at the same time, main jab affirmation kar rahi hoon aur uski ek alag energy hai. So these frequencies are not matching. So when I want to be successful and I'm looking for success and I'm planning many things about success, at the same time, at the back of the mind, my frequencies are not matching because of my programming. Then there are two different contrast energies which is working inside me. And the one which is powerful is going to win. So now I need to drop those energies which is inside me, which is creating these frequencies. And then when I drop it, when I drop the need is which is created for this belief that I'm not supposed to ask anything from anyone. And when I go to childhood and when I go to heal these memories, whichever maybe I have experienced it. Sab room band karta. So when I am ready to diffuse and, you know, heal those memories and emotional wounds and pains, then I can easily create a new belief. And in that belief, I say that the whole universe is my friend. The whole universe is ready to support me or any way, in every way. And then even if, you know, it becomes very easy to ask help, to offer help. It is very easy that I surrender and I say that if I can easily ask for help, because everywhere I see, it's none another but my parts. They are all my parts. Matlab, there is no other person. It's all me in different forms. So, जैसे कि एक एप्पल है और एक एप्पल को मैं एप्पल बोलूंगी, लेकिन उसके मैं पांच टुकड़े करूंगी तो पांच टुकड़ों को मैं एप्पल ही बोलूंगी, कुछ और नहीं बोलूंगी. और पांच के पचास टुकड़े करूंगी तो भी वो एप्पल ही बोलूंगी, और पचास के 5000 टुकड़े करूंगी तो भी मैं एप्पल बोलूंगी उसको. तो उसी तरह से वी आर ऑल वन एंड वी क्रिएट वननेस एंड वी फील टूगेदरनेस एंड वी फील बिकम वन एज अ फैमिली. और देन from separateness we shift to the oneness the moment we start dropping our beliefs, the moment we start introspecting that what is the reason for my failure, what is the secret ingredient of my failure, and then from that I take it as a blessing and I start introspecting and start having reflection inside me, and from that reflection I will get to know many beliefs which is not helping me, and that is a time to drop those beliefs. Bar bar rakho, idhar nahi rakho bhaiya. It is a time to drop those beliefs, and from then onwards the whole math begins and we can create a new story. It is like, yes, empty ourselves and recycling bin. Very, very true.
दैट इट इज एम्प्टीइंग अवर सेल्फ. यू नो लाइफ, मैंने कहीं पढ़ा था, लाइफ इज ऑल अबाउट अनलर्निंग. लाइफ इज ऑल अबाउट अनलर्निंग. जब हम आते हैं, हम हमारा ऑल द फोकस रहता है ये बच्चे को कैसे सिखाया जाए, ये बच्चे को क्या सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाए, हमारा पूरा फोकस वो रहता है. ये देखो इसको एप्पल कहते हैं, ये मामा है, ये मामी है, ये नाना है, नानी है, एंड ऑल ऑफ इट, यू नो, एंड ऑल वी हम सब कुछ सिखाना 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 चाहते हैं. ऑल ऑफ देम, ऑल द पीपल आर रेडी टू टीच दैट चाइल्ड, एंड देन देयर इज अ वन पॉइंट एंड वी टेल दैट चाइल्ड दैट लाइफ इज ऑल अबाउट अनलर्निंग. Unlearning all the concepts, unlearning all the beliefs, unlearning that what this is right and this is wrong, unlearning that and coming out of from the judgments that this is, this should happen and this should not happen. And it's all about unlearning. Isn't it so beautiful? That we learn whole life, we keep learning, 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 learning. And we receive degrees and degrees. And we start having professional experiences and learning and learning. And then there is one point where we say that now it's unlearning, time for unlearning everything, all the concepts. Because all the concepts are myths. All the concepts are illusions. All the concepts are lies. And we have to come out of this mayajal, from this illusion, because these are all belief system. The night is a concept, the day is a concept, sadness is a concept, happiness is a concept. It's all state of mind. It's all state of mind. So thank you very much for joining in today, and I invite all of you on this Monday for inner child healing session, introspection and session, which is free introduction session on Monday at 9 o'clock Indian Standard Time. And before we end the session, we will have a small meditation. And I would also inform you that I also conduct personal coaching session, where first personal coaching session is completely free for 1 hour. And then followed by whatever coaching session you want to continue, it will be paid. And also whoever are my paid participants, we have created one group. And in this, we will have different questions every day where we will be working on ourselves. And it's a free exercise for a month. So whoever are my paid participants up till now, whoever has invested in my services, they have this free open entry to join this group for daily introspection, daily check-ins. So now let us, so if you have already enrolled and if I have not added you in that group, please do tell me. If you have invested in my services and I have not enrolled you, please do tell me. At the same time, let us have a small meditation. Taking a deep breath in. Just leave your breath. Just observe. But what are the beliefs? You are carrying with you. When you were successful, what was the belief inside you? I can do it. It is possible.
I trust and believe in myself. I know I'm blessed. I know I'm lucky. I'm aware that I have a strong support system. Yes, I choose to surrender and let go. What were the beliefs you had, and that was your source of motivation when you were successful? That yes, I am smart, I am capable enough, I am intelligent enough, I am creative enough, I am strong enough, I am powerful enough, I am beautiful enough, and I can do it. What were the beliefs you were carrying when you were successful? That success is mine, and I am programmed to be successful. And I completely trust that my divine is constantly blessing me, constantly guiding me, constantly supporting me. And I can do it. And yes, that was the voice of your soul. When you believed in yourself, in your power, in your personal strength, and you could do it, you could do it. But at the same time, now, let's check in our failure moments, because our failures are our teachers, our guru. And let's check in. What were my beliefs when I was failed? I was maybe doubting myself, or maybe I was criticizing myself. I was not trusting myself enough, maybe. Maybe I was into comparison, the other person is better than me. Other person is powerful than me and I'm not powerful enough. Maybe I was not ready internally, that I'm not ready for this project, I'm not ready for this success. I won't be able to handle my success. I won't be able to handle the pressure, work pressure. I won't be able to handle the deadlines. What were my beliefs at that time? Or it's a lot of hard work, not my cup of tea. Oh, this person is a pain in the neck and I can't deal with this person. Oh, I'm filled with people who are cheating me and I can't trust people easily. And life is suffering. Life is all about hard work. Life is all about good luck. And I'm not lucky enough. And nobody supports me. And nobody understands me. And nobody respects me. And nobody loves me. Oh, this is possible. Yeah, main apne aap ko darane mein thi ki ye ho jayega, wo ho jayega. Aur tu to uske kabil hi nahi hai. क्या चल रहा था मेरे दिमाग में जब मेरे अंदर फेलियर्स हो रहे थे? कौन से बिलीफ सिस्टम वर वर्किंग? नोबडी गिव्स मी दैट जॉब. ओ, आई कांट अट्रैक्ट
गुड रिलेशनशिप, लविंग रिलेशनशिप। मेरे फैमिली में तो किसी ने प्यार का अनुभव ही नहीं किया। मेरे फैमिली में तो किसी की मैरिज लाइफ अच्छी गई नहीं है। तो मेरे साथ भी वही होगा। व्हाट वर योर बिलीव्स इन थ्रू इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इन योर रिलेशनशिप, इन योर हेल्थ? मेरे फैमिली में सबको अटैक आता है, सबको डायबिटीज होता है। व्हाट वर योर बिलीव्स? And just check out what were the emotions behind this belief. Was it fear? Was it guilt, shame? And it has come from our childhood memories. All these painful emotions we have stored inside our psyche, and it's time to process our emotions. So let us go inward and tell ourselves that I am ready to heal myself. I am ready to unlearn my old concepts and old beliefs. I'm ready. I'm ready for the shift. I'm ready for the change. I am ready. 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 Ready to unlearn. Ready to heal my emotional pains. I take responsibility of my emotional pains, and now it is my duty to heal myself. And I'm ready to heal myself. Thank you. Thank you. Thank you. And I love you. And I love you. I love you. I love you. I love you. So thank you very much to all of you for being a part of this journey, for this session. Thank you, Shreyaji. Thank you. And I love you. Do join me on Monday night for inner child healing session, free session. मैं सबको बोलती हूँ, मैंने श्रेया बहन के साथ में बहुत सारे वर्कशॉप किए हैं और ये इनर चाइल्ड हीलिंग करना चाहिए, मैं भी करने वाली हूँ. Beautiful. Thank you. So thank you, Shia. Love you. Love you, thank you. बहुत सारे लोग रिपीट करने वाले हैं भारती, उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग रिपीट करने वाले हैं, and it's beautiful. So thank you very much, भारती. And who thank you. Who have not tried inner child healing for 21 days, 15 sessions, do try. Thank you. Thank you, Shreya. Thank you. Love you. Bye bye. Thank you.